गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फॉन्ट बनाईटी अलावा। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम फिजिक्स का थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो कि आपको फिजिक्स जो जेई मेंस आने वाले हैं उसमें आपको बहुत मदद कर सकते हैं, बहुत हेल्प कर सकते हैं। और ये जो मैं बताने वाला हूँ ये सबको पता होता है, अक्सर आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा, ये उसी से रिलेटेड है। और ये बहुत आसान टॉपिक है, सबको पता होता है, बट ये आसान समझ के ना बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। बट ये मेरे को खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने इससे जो था मेरे को एडवांस में भी अच्छी मदद मिली थी इस कॉन्सेप्ट से, और मेरे को एक क्वेश्चन में एडवांस में भी इसने मदद करा था। तो इससे ये नहीं कि आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट ये है कि इससे कभी कभी डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन भी इलिमिनेट कर देगा, या कहीं कहीं अभी आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो फॉर्मूला भी ड्राइव करने के लिए जो था माना ये बहुत अच्छा जो था माना है, तो मेथड है। तो चलिए देखते हैं। तो जो सब आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा मेंस में, अक्सर जो टाइप से क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि ऑप्शन में आपको ये फॉर्मूला होता है, या क्वेश्चन में पूछा होता है कि फॉर्मूला मतलब बताने को कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप इस स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन में आप देखिए तो उसमें पूछ रहा होगा कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ है, पूछा है कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ क्या होगा। तो आप रेशियो ऑफ वेवलेंथ है तो वेवलेंथ का डायमेंशन मीटर होता है, एल होता है। अब जो हमारा डायमेंशन रेशियो जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या होना चाहिए कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है वही आंसर होगा। तो अगर हम एक एक का डायमेंशन चेक करें तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, पहला जो ऑप्शन होगा वो आप देखिएगा तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन में क्या है, e by 2m टू द पावर 1/2। आप इसका डायमेंशन चेक कीजिएगा तो यहाँ पे ई एनर्जी है, तो ये mL²t टू द पावर -2/m हो जाएगा, इसका पावर 1/2। आप देखिए इसको इससे काटेंगे तो इसका डायमेंशन लेस नहीं आएगा, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन में जो था हमारा क्या दे रखा है, 1/c 2e/m की पावर 1/2। आप देखो तो ये जो ये वाला क्वांटिटी है यही है, तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, L^-1। तो अगर हम देखें तो ये स्पीड है, तो L^-1 × L^-1। तो यहाँ से देखिएगा तो इसका डायमेंशन 1 आ जाता है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं कि यही आंसर है। अभी दो ऑप्शन और है तो हम दो ऑप्शन और को चेक करेंगे। तो तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो C^2me^(1/2) है। अब इसका डायमेंशन निकालोगे तो ये जो था हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं आएगा, L^-1 सी का हुआ, और इसका जो था हमारा हो जाएगा mL^-1। आप चेक कर सकते हो तो इसका डायमेंशन लेस नहीं आया, मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन जो था हमारा वो दे रखा है 1/c × हमारा क्या है m/2e^(1/2। अब इसका भी डायमेंशन आप निकालोगे तो इसका भी डायमेंशन 1 आ जाएगा, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी ये भी है। तो आपको दो डायमेंशन मिल गई, लेस क्वांटिटी मिल गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तो इस दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इससे डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, कभी कभी डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे मेंस में, बट कभी कभी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो मतलब दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, तो आप दो ऑप्शन में अच्छे से आपको परसेंटेज होता है हमारा करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।